भाई बाहर तो एकदम मस्त ठंडी हवा चल रही है और आज तो भाई बना रहे पराठे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये आसू भाई बना रहा है खाना एकदम रुमाल रुमाल बांध के, और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ आज। हालांकि कुछ जाने का मन तो नहीं है, कुछ प्लान भी नहीं बनाया कहीं जाने का, तो रहन दो फिर। तो अनुज भी नहीं था तो हमने 7-7:30 बजे तक तो सोए रहे, क्योंकि अनुज रहता है तो उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, वो कॉलेज जाता है। तो हम भी आराम से खाना वाना बना रहे हैं। अभी 11 बज चुकी है, अभी कहीं जाने का प्लान भी नहीं है, देखो जाएंगे तो बताएंगे। और आसू भाई बना रहे पराठे, दिल वाले पराठे बना रहे आसू भाई। अरे एकदम रुमाल रुमाल बांध के भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दाल परेशान कर रहे हैं। और भाई मेरा काम था दाल बनाने का, तो मैंने दाल बना के रख दी थी, आज दाल रोटी खाएंगे। ये इधर दाल बना के रख दी है मैंने, आज दाल रोटी खाएंगे, क्योंकि मेरे को रोटी बनाते बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आसू भाई संभालते हैं रोटी का काम और मैंने बना दी है दाल, तो बस रोटी बनने वाली है, फिर खाएंगे खाना। भाई आसू बोल रहा है कि रोटी बहुत ज़्यादा बन गई है, तो मैंने बोला शाम में काम में आ जाएगी यार, ऐसा थोड़ी ना फेंकेंगे, थोड़ी ना शाम में उसको गर्म करके एकदम चलने देंगे बढ़िया। तो भाई रोटी इनने थाली भर के बना ली है। अरे दिल वाला बनाना जरा पराठा। हो गए ना 4-5 बना हो गए, बस बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज इच्छा थी भाई पराठे खाने की, तो आसू भाई ने मेरे लिए पराठे बनाए, धन्यवाद आसू भाई का। तो भाई अनुज के जाने के बाद आसू बर्तन धो रहा है। तो भाई आसू कैसा लग रहा है बर्तन धो के? अबे साले खानदानी काम है हमारा, हम सेफ है। तो भाई अनुज धोता था बर्तन, अभी आसू धो रहा है। तो भाई अनुज नहीं है यहाँ पर, तो उसकी याद आ रही है आसू भाई को। इनने मेरे को बोला कि मेरे को उसकी याद आ रही, मैंने पूछा क्यों भाई तेरे को उसकी क्यों याद आ रही, तो बोले बर्तन धोना था। बर्तन खुद ले धोए फिर डाले, फिर पहला बर्तन धोने के लिए याद आ रही थी उसकी। गजब बेइज्जती है भाई। यहाँ पर खाना लग चुका है, अब खाते हैं। आसू गया हाथ धोने, ये दाल और रोटी, दाल रोटी बनी है और ये डब्बे में सेव है। तो आसू आ रहा है हाथ धो के, फिर खाते हैं खाना। भाई खाना इतना जबरदस्त दिख रहा है, मजा आ जाएगा आज तो। दाल एकदम गाड़ी वाली बनी है, देखो हमको भाई गाड़ी एकदम दाल बनी है। खाना होता आ जाना भोपाल द्वारका नगर दशहरा मैदान के पीछे। गाड़ी स्टार्ट कर, तभी खाते हैं खाना और खाना खाने के बाद बात करते हैं या मिलते हैं। तो भाई 4 बज चुकी है यार, और हम कहीं भी नहीं गए, फुल आलसी कर रहे हैं, एकदम सोए हैं सुबह से। और इनने भाई, इसको मैंने दिन भर से बोल रहा हूँ कहीं चले, तो ये मेरे को बोलता है कि तू देख, तू मतलब सर्च कर कहीं अच्छी जगह हो तो वहाँ चलते हैं। और मेरे को आ रही थी अलसी, तो मैंने सोचा अब रहने ही देते हैं। तो भाई ये भी नहीं कहीं गया और मुझे भी नहीं कहीं जान दिया। तो हम दोनों सोए हैं भाई, सुबह से सोए ही हैं, 4 बज चुकी है। अब मुँह हाथ धोते हैं और देखते हैं कहीं हो तो, नहीं तो फिर वही शाम में खाना पीना खा के सो जाओ। और फिर मैं अब तुमको बताता हूँ भाई, मैं भी कल अब घर निकलूंगा, अब बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, 7-8 दिन हो गया, तो मैं भी अब कल निकलूंगा। तो ये भाई अब मैं जाने की इसको बोल रहा था कि अब मैं कल जाऊँगा, तो ये रोने लग गया। बोले कि भाई देखो अच्छा लगेगा बच्चा, बाकी जाना तो पड़ेगा यार, घर परिवार है। बाल कटवा ले दत्ता, ये बाल कहाँ से कहाँ जा रहे, तेरे कटवाता क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, चल मैं कटवा देता। अच्छा तेरा भाई पैसे, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बाल है बेटा, बाकी जीरो करवाना पड़ेगा। गाइस मेरी एक्स की शादी है अभी 2 तारीख को, तो मैं उसकी शादी में जाऊंगा खाना बनाने, पर खाने भी ये बताना जरूरी था भाई। इसके पापा है ना, खाना वाना बनाते, तो ये जाएगा शादी में, इसलिए बाल नहीं कटवा रहा है। मतलब इतनी इज्जत एक्स की। भाई गाँव से कोई ब्लॉग देख रहा है तो भाई को कुछ बुलवाना था, मैं आओ मेरी एक्स को भेज देना। हम कर रहे हैं भाई, बाहर तो एकदम मस्त ठंडी हवा चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं, क्योंकि आज बाहर नहीं गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बताता हूं, मैं मतलब हम कहाँ रहते हैं, तो भाई ये रूम है, यहाँ पर रहते हैं, और ये रूम के साइड में जस्ट यहाँ पर छत है, यहाँ पर हम नहाते हैं, और इधर जस्ट इधर रूम है जहाँ हम लोग रहते हैं और सोते हैं। नहाना धोना और घूमना हो तो घूम सकते हैं, टंकी वंकी भरी है पानी की, और ये नल है, यहाँ से हम लेते हैं पानी नहाने के लिए। और बाकी ये 3rd फ्लोर पे है, ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे, और बाकी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और इधर देखो छत पर टावर भी लगा है, और इधर नीचे गली है, जस्ट नीचे से रोड गया हुआ है, एकदम बारीक गली है भाई।
भाई यार ब्लॉग देखते हो ना आप तो कमेंट करा करो यार, अच्छे अच्छे मतलब पूछा करो मेरे से, जो भी पूछना हो मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। आप कहाँ रहते हो ये भी बताओ तो मुझे पता लगे कि आप कहाँ कहाँ से देखते हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करा करो मुझे अच्छा लगेगा। आप जो भी पूछोगे मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करो यार, मेरे को सपोर्ट करो तो मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूँ, और फटाफट 1K करवा दो यार। तो भाई अभी आए बाहर मार्केट जा रहे हैं और ये भाई करवाएगा नाश्ता। बट बता क्या खर्चा करवा रहा है? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो गरीब भाई जब से आया ना एक रुपये का खर्चा नहीं करा यानी कि भाई मेहमान आए तो कुछ खिला पिला क्यों क्यों वापिस वापिस जा जा मत आना। अब बताइए कुछ खिलाला पिलाला चाहिए कि नहीं? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। नहीं नहीं मेरे को नहीं खिलाना। अबे मेरे पास मेरे रहने के बांधे हैं, तेरा खर्चा कर रहा हूँ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार। भाई मैं कल निकल जाऊंगा बात के लिए। अरे तू अभी जा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई ये है दशहरा मैदान। दशहरा कहाँ है क्या? ये दशहरा मैदान भाई, आना हो तो ये दशहरा मैदान घूमने। भाई जिसको खिला दिया है मैंने ब्रेक समोसा, आप बोलना मत रे बार बार। तो भाई आशू भाई खिला रहे हैं ब्रेक समोसा, ताकि पैसे ये देगा। उधर बन रहा है भाई, बना रहा है। तो भाई रूम पर आ गए, दाल रोटी भाई सुबह बना ली थी इनने ज़्यादा, तो अभी है तो रोटी गर्म कर लेंगे और दाल गरम कर लेंगे और बढ़िया चलने देंगे, मस्त खा लेंगे, टेंशन नहीं आप खाना बनाने का। अच्छा भाई रूम पे एक जन भी नहीं रहता ना तो अच्छा नहीं लगता यार, वो अनुज घर गया ना तो अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ये जो मोबाइल में लगे रहता है वीडियो का एडिट कर, कहीं उसके वायरल हुआ कि नहीं देखते रहता है। भाई 8 बज चुकी है, अभी बिस्तर विस्तर लगाते हैं और सोने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो का आज यहीं एंड करते हैं। तो भाई आपको ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग वगैरह दिन भर पचना पड़ता है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो और तुम्हारे भाई को आगे बढ़ाओ यार। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।